दोस्तों नमस्कार। निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो चुकी है। मैं अभी वार्ड नंबर 61 में हूं और मेरे साथ में यहां के कांग्रेस के प्रत्याशी अमित सुवाल का हैं। मैं बता दूं कि ये सीट है अपने आप में होर सीट बन गई है कांग्रेस से अमित सुवाल का। वहीं उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी से गोविंद टांग हैं और गोविंद टांग को इन दिनों मेयर के तौर पर भी देख रहे हैं और उनके नाम की चारों ओर चर्चा है। तो दोनों ही प्रत्याशी इस सीट को लेकर के हॉट सीट बना ली है और क्या इस हॉट सीट का राज है, हम अमित जी सुवालका से जानते हैं। सर, कांग्रेस से आपको टिकट मिला, क्या आपका कहना है और किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं? पिछले 25 वर्ष से उदयपुर में नगर निगम बोर्ड जो है वो बीजेपी का बना हुआ है और पिछले 25 वर्ष से हम ठगा हुआ महसूस कर रहे साहब। उसके बाद श्री गोविंद सिंह जी टांग जो प्रत्याशी बन के आए हैं, इनकी बहु 5 वर्ष पहले यहाँ से पार्षद चुनी गई थी जी। उसके कुछ समय पश्चात उनके किसी पारिवारिक कारणों से वो साल भर के अंदर ही ये शहर छोड़ के चली गई और उसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और 4 साल से ये जो वार्ड है ये लावारिस पड़ा हुआ है। इस लावारिस वार्ड में आप जिस कोने में जाएंगे गंदगी का ढेर लगा हुआ है, गंदगी के जंगली जानवर जो है वो घूम रहे हैं, नालियां चौकड है और हर आदमी त्रस्त है। हमने आज से कैंपेनिंग चालू की है, कैंपेनिंग का एक नया पैटर्न लाए हैं। हम कैंपेनिंग नहीं करेंगे, लोगों से जाके हम लोग अपना एक रजिस्टर और पैन लेके जा रहे हैं, लोगों से एक एक से अपनी अपनी समस्या पूछ रहे हैं कि आपकी समस्या क्या है जिसका हम निदान कर सकें। और श्री गोविंद सिंह जी टांग जिन्होंने बकायदा ये होना चाहिए था कि भाई 4 साल से उनकी बहु पार्षद या नहीं है तो उसकी वजह से उनको ये मांगना चाहिए था कि भाई हम क्षमा प्रार्थी उस चीज के लिए, और वो तो उल्टा उसके ऊपर से दादागिरी दिखा के इस तरीके से कोशिश की जा रही है कि हम 4 साल से पार्षद भी नहीं है और उसके बावजूद भी हम मेयर का चुनाव लड़के वापस इसको इस तरीके से छोड़ेंगे। अमित जी, आपने कहा कि इस्तीफा नहीं दिया, नमिता जी को इस्तीफा नहीं देने की वजह क्या थी? नमिता जी को इस्तीफा देने की वजह यह है कि बीजेपी का अहंकार जो है, श्री गोविंद सिंह जी टांग एक पिता तुल्य व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, हम उनका कोई अपमान नहीं करना चाहते, पर उन्होंने ये चीज गलत की है। किसी भी जमाने में अगर एक नैतिकता पूर्वक आदमी होता था, अगर कोई रेल एक्सीडेंट भी हुआ है तो केंद्रीय रेल मंत्री जो है इस्तीफा देता था कि नैतिकता के नाते मेरी गलती हुई है, गलती भली गेटमैन की हो। तो आज ये गोविंद सिंह जी टांग ये बात नहीं कह सकते हैं कि भाई नमिता ने इस्तीफा नहीं दिया या ये वार्ड 4 साल से ये पड़ा हुआ था। ये लिटरली ये दिखाता है कि वो ये चाहते हैं कि भाई ये वार्ड तो हमारी जेब में है, आप चाहे किसी भी तरीके से रहे, ये वार्ड जैसा हम चाहेंगे वैसा ही रहेगा। ये अब आप अपने प्रतिद्वंदी को किस तरह से इस मैदान में पहचानने के लिए तैयार हैं? हमने आज से प्रचार चालू किया है, प्रचार का नया तरीका चालू किया है, जनता से जनसंपर्क हम कर रहे हैं, एक एक जनसंपर्क में हम घर जाके बैठ रहे हैं। हमें कोई 3-4 बार किसी के यहाँ नहीं जाना है, हम हर आदमी की समस्या सुन रहे हैं। उसको ये खुशी हो रही है कि कोई हमारी बात सुनने वाला तो है, या तो 4 साल से पार्षद भी नहीं है। और इस वार्ड में आप देखिए कि हर चीज की समस्या हो रही है, मतलब इतनी समस्या है कि एक तरह से ऐसा लग रहा है कि उदयपुर का सबसे वर्स्ट वार्ड ये बन गया है। अच्छा, एक सवाल उठ रहा है, लोग कह रहे हैं कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं, वार्ड नंबर 61 को लेकर के हम बात करें तो पहले नमिता जी थी, अब उन्हीं के परिवार में पहले यानी कि पहले बहू को टिकट मिला, अब ससुर जी को टिकट मिला और 4 साल तक यहाँ पे वार्ड में मौजूद नहीं रही, तो क्या ये कंफ्यूज वर्ड आ रहा, तो क्या ये अभी वास्तव में सही साबित हो रहा है? ये कंफ्यूज वर्ड नहीं सर, ये इसको ढका जा रहा है, आप समझने की कोशिश करें, इसको ढका जा रहा है, जनता को ठगा जा रहा है और जनता को ठगने में इनकी मास्टरी आज से नहीं 25 साल से है। आप समझे कि एक 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 व्यक्ति को लाके दिखाया जा रहा है कि भाई मैं राष्ट्रपति के चुनाव के लायक हूँ, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लायक है तो साहब राष्ट्रपति जी है, हम आम आदमी है, एक आम आदमी और राष्ट्रपति के बीच में चुनाव हो रहा है, जनता तय करेगी कि आम आदमी आएगा या राष्ट्रपति जी आएंगे। वो राष्ट्रपति जी जिनसे अपॉइंटमेंट भी लेके पर्सनल भी मिलना पड़ता है, तो उनके लिए हम हमारे हिसाब से ये वार्ड तैयार नहीं है और ना उदयपुर शहर तैयार है। आप जीतते हैं तो क्या आपके वादे और क्या आपके काम? मैंने इस बार कोई वादा करने की इच्छा जाहिर की है, पहले मैं जनता की समस्या सुन रहा हूँ, वो जनता की समस्या का हम निदान निकालेंगे, उसके बाद हम एक विजन डॉक्यूमेंट क्लब अप करेंगे, फिर उसको प्रेजेंट करेंगे और जनता का जब काम करेंगे तब बोलेंगे कि हमने ये काम किया। हम पहले ये घोषणा ही नहीं कर देंगे कि नहीं हमने ये कर देंगे हम वो कर देंगे, कर करके लोग परेशान हो गए। सर, जनता क्या होता है कि नाली की समस्या है, रोड की समस्या है, कचरे की समस्या है और ये ले आते हैं कि धारा 370 और धारा राष्ट्रवाद, और अरे राष्ट्रवादी हम राष्ट्रवादी नहीं होते तो 70 साल से आज देश बनता कहां से आप बताएं? अच्छा, आप वार्ड की कंडीशन बता दें, क्या रहता है वार्ड में? अगर हम शाम के टाइम में वार्ड में निकलते हैं या फिर अशोक नगर में घूमते हैं तो अशोक नगर के क्या हालात होते हैं, आप ही से हम जान लेते हैं। अशोक नगर वासी जो है आज एक डर के माहौल में जी रहा है क्योंकि 25 साल में ट्रैफिक इतना बढ़ गया है,
जगह जगह बैरियर होने चाहिए, जगह जगह स्पीड कंट्रोल होना चाहिए, जगह जगह पार्किंग ऐसी हो गई है कि मैं खुद अपना स्थिति बता रहा हूँ कि कल नॉमिनेशन बढ़ने के बाद में जब मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था जी, एक गाड़ी वाला मेरे से टकराते हुए गया। मतलब आप सोचे कि एक बुजुर्ग आदमी अगर कैसे रोड क्रॉस करेगा। आज ये हालत हो गई है कि यहाँ का कोई धनी दूरी नहीं है, और डाक साहब ये कहते हैं कि साहब हमने तो अच्छा विज्ञान सीमित जो रोड है बहुत मुश्किल वाला हालात रहता है वहाँ पे। अक्सर आपके गर्दुले देखे जाते हैं, लाइट की वीरानगी देखी जाती है, लाइट बंद पड़ी रहती है। क्या आप अगर आप आते हैं तो क्या उस रोड के लिए होगा, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से वो रोड अब सेफ नहीं रहा है। जी साहब, आज की तारीख में आप देखिए कि जो वार्ड लावारिस छोड़ दिया जाएगा तो वहाँ तो गर्दुले आएंगे आएंगे। उनको मालूम है कि कोई पूछने वाला कुछ करने वाला है नहीं है, तो गर्दुले 100% आएंगे। और गर्दुले आएंगे तो फिर औरतें कैसे निकलेगी रोड पर, आप बताएं। आम आदमी भी परेशान होगा। मेरे आने के बाद में मैं विश्वास दिलाता हूँ ये गर्दुलों को एंट्री यहाँ पे किसी भी हालत में नहीं हो, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, हम उनको नहीं आने देंगे यहाँ पे। ये एक शांत वार्ड है, आज उदयपुर का सबसे अच्छा वार्ड है। आप देख लीजिए कि उदयपुर में इससे बढ़िया रेजिडेंशियल कॉलोनी कोई भी नहीं, कहीं भी आप चले जाएं, भले कितने भी नई कॉलोनी बसी है। तो दोस्तों ये थे अमित जी सुवाल का, जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और इनके सामने गोविंद टांग हैं, और इन्होंने साफ कहा है कि पिछले 25 सालों से अशोक नगर जो कि वार्ड नंबर अभी बदल गया है, पहले ये पुराने वार्ड नंबर कितना नंबर हुआ करता था, 51 पहले हुआ करता था, अभी 61 में है, 61 में ये हो गया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इसका भला हो पाता है। इसके लिए अमित जी दावा कर रहे हैं, अब किस तरह से आने वाले टाइम में चुनाव का रंग दिखाई देता है और कांग्रेस किस तरह से मशक्कत के साथ में सामने आ पाती है, और प्रतिद्वंदी बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनको किस तरह से अपना रुख दिखा पाती, ये देखने वाली बात होगी।